बरिश साहब। हाँ बोलो। कैसा हो सकता है कि मैं सिग्नल के बाद 2 मिनट के लिए कहीं, बस जल्दी से वापस आ जाएंगे हम लोग। क्या तुम्हें कहीं रुकना है? जी हाँ, थोड़ी सी देर के लिए, अगर जरूरी ना होता तो नहीं पूछती। ठीक है। क्या बात है, आप बेहतरीन बॉस हैं। शाबाश एस्ली, अपने इस लहजे को ठीक ना करना तुम। लड़की तुम टैक्सी ड्राइवर नहीं हो, नर्म लहजे से बात करो। आज कोई काम ही नहीं है। अब्दुश जुगनू बाजी, टैक्सी कहाँ गई आपकी? आप अमीर हो गई हैं क्या? नहीं, अब मैं जाती ड्राइवर बन चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाई पहले। अच्छा ये लो तुम, बाकियों को भी दे देना। आजकल मामला थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हल कर लेंगे हम। अच्छा ठीक है, जरा पीछे तो देखने दे। ये तो बहुत हैंडसम है, आप इनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? बुरी बात। भाई इनसे शादी कर ले, ये बहुत अच्छी लड़की है। अब्दुश मुझे गुस्सा आ रहा है, चलो जाओ बाकी बच्चों को भी दो। ठीक है। माफ कीजिएगा, बहुत शरारती बच्चा है। आके देखो ना तुम, ये किस तरह देख रहा है तुम्हें, ये फिर से उसी तरह देख रहा है मेरी तरफ। क्या मुझे गलत लग रहा है? शायद ये इसी तरह देखता है। अगर ज्यादा भूख लगी है तो सामने घर के खानों का रेस्टोरेंट भी है वैसे। शुक्रिया, लेकिन ये काफी है मेरे लिए। ठीक है फिर खाओ मजे से। खुश आमदीद बरिश भाई। बहुत शुक्रिया हसन। आजकल हमारे टीओ साहब नहीं नजर आते सर। क्योंकि तरक्की होगी, वो मेरा ड्राइवर नहीं है। बहुत खुशी हुई सुन के। कोई नया ड्राइवर नहीं रखा क्या? ड्राइवर तो है, देखते हैं वो उस कुर्सी का हकदार बनता है या नहीं। मैं फौरन लड़कों को भेजता हूँ सर्विस के लिए। वाह वाह वाह, तो अब ये जुगनू किताबी कीड़ा बन गई। हाँ अगाथा क्रिस्टी पढ़ रही हूँ मैं। डिटेक्टिव तुम भी पढ़ो ना, तुम्हारे मतलब की है। जरूर पढ़ूंगा, वैसे नौकरी की आदत हो गई तुम्हें? हो ही जाएगी आदत, हमारे बॉस जो इतने बेहतरीन है। अब तुमने मुझे याद दिला दिया, रुको। हाँ भाई, अब फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में हम ये खमीरी रोटी भी खाएंगे, जुगनू ने भेजी है। उसने तुम्हारे लिए भी ली थी, लेकिन शायद तुम्हें देना भूल गई थी उस वक्त। तो उसको ये बहुत पसंद है। हाँ देख के तो यही लगा मुझे। वैसे एक बात पूछूं, क्या वो हमेशा वहीं बैठ के खाना खाएगी? मैं तो हमेशा यहाँ बैठ कर खाता हूँ। अगर उसके साथ ऐसा किया तो सबकी तवज्जो इधर हो जाएगी, उसके साथ भी नाइंसाफी होगी। जैसे हमने उसे नौकरी पर नहीं रखा बल्कि उसका दिखावा कर रहे हैं। समझ गया, हमें उसके साथ ऐसा ही बर्ताव रखना पड़ेगा। तो अपडेट क्या है? हाँ, क्लब से तो कुछ खास नहीं मिला क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर चुके हैं, लेकिन मैं स्केच का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो मैच हो जाए तो शायद कोई बात बन जाए। काम करो जितनी जल्दी हो सके, और जाकर बच्ची से बात करो, मुझे झूठ पसंद नहीं है। असली की भतीजी से बात करूँ? यही कह रहा हूँ, दावा बढ़ाने के लिए मुझे मुलाकात करनी होगी उनसे। घर वालों से इजाजत चाहिए। तुम्हें किस चीज का इंतजार है? क्या कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। गुल, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपने चेहरे की? मुझे क्या हो गया यार, क्या सोच रही हो तुम? हल्का सा मेकअप ही तो किया है, दिल चाह रहा था मेरा। अपने आप को अच्छी लग रही हो क्या? ठीक है। गुल इतने अजीब से बाल भी बनवा लिए तुमने। फजूल बातें करके गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे, मैं ऐसी ही दिखती हूँ। क्या बात है भाई, दरवाजे पे इस्तकबाल हो रहा है मेरा। सलाम, खुशामदीद। टीओ साहब को
चप्पल दो ना, अब घूरो तो मत। हाँ देती हूँ, ये रही आपकी चप्पल की ओ साहब। अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं कि साहब वाह मुझे मत कहा करें, मुझे अजीब सी घुटन होती है, सांस बंद होने लगता है मेरा। बिल्कुल टी हो डियर, यानी बहुत खूब। अंदर आओ फिर। ओह शुक्रिया, मैं आगे चलती हूँ फिर। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी खुशामदीद बेटी। अम्मी ये गुल है, हमारी गुल। ये तुमने अपने साथ क्या किया है बेटी? ना करे निशा खाला, किया क्या है मैंने, हमेशा ही ऐसी दिखती हूँ मैं, क्या हो गया है? ये पकड़ो। सलाम आरजू हूँ मैं, एसली की बड़ी बहन। खुशी हुई मिलकर। और ये मेरे बड़े भाई मतीन। कैसे हैं आप? और ये भाई की बेटी चेचेक। कैसी हो बेटा? और मैं तियो। मैंने कभी बेटियों नाम नहीं सुना। असल में ये मेरा पूरा नाम नहीं, प्यार से कहते हैं मुझे टियो। जैसे मेरा छोटा नाम चीचू होगा तो आपसे सब मुझे प्यार से चीचू बुलाएंगे। वाह भाई कितनी आसानी से तुम अपना निकनेम भूल गई। नहीं वो मेरा उर्फी नाम है और ये मेरा छोटा नाम। अच्छा ठीक है फिर चलिए आए खाना खाते हैं। चलें। जी जरूर। परिश बेटा क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो। नहीं तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है? तुम्हारे चेहरे से जैसे कि कोई मसला हो। कुछ नहीं है सांटी। माफिया हादसात वगैरह और वैसे भी तुम्हारे प्यारे बेटे की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं बरिश को खानदान, और तुम उससे पूछ रही हो कि कोई मसला है क्या? मेरी बहन ना थोड़ी सी हसास है, यानी वो गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। जी जी मैं समझ सकता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। अरे अरे ये बहुत ज्यादा है, बस करें प्लीज। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे नहीं तो तुम्हें पसंद है ना ज्यादा भुने हुए कोफ्ते। शुक्रिया। बेटा तुम भी असली के साथ ही उसके ऑफिस में काम करते हो? जी आंटी मैं भी एक्चुअली पहले ड्राइवर ही था, तो बहुत कम वक्त में हमारी काफी अच्छी बन गई। क्या आप भी हैरान हुए थे जानकर के पुप्पो पहले ड्राइवर थी? थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूँ जो पहले ड्राइविंग करती थी और बाद में वो इतनी अमीर हो गई कि उन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी अपने लिए। तुमने देखी है ऐसी गाड़ी? एक देखी थी मैंने एक बार। तो क्या वो गाड़ी कोई औरत चला रही थी? मैं देख नहीं पाई, पता नहीं। अगर कोई औरत होती तो तुम देख लेती, क्योंकि जाहिर है उसके बड़े बड़े से बाल होते और पता चल जाता। उसकी जामनी चीज उड़ रही थी। जामनी चीज? वो क्या है? शहद की मक्खी। आपको पता है लंबी और परों वाली। परों वाली? जी वो उसकी गर्दन के साथ थी और वो शीशे से उड़ गई। मुझे पता है उसका क्या नाम था, गले के हार की तरह औरतें पहनती हैं। क्या नाम था उसका? शहनाई। पंखबू। हाँ हाँ पंखबू बिल्कुल। हाँ हाँ औरतें जेवर के तौर पर पहनती हैं उसे गले में। तुम्हें यकीन है शहद की मक्खी? एक जामनी रंग की चीज बाहर गिरी थी। जी